अगे यही गल सोचते होंगे सी कि आम आदमी पार्टी वड्डी एक घाट आम आदमी पार्टी भी मौके पर लैके आते हैं तो उदू बाद टुटते भी ने कि मैनू टिकट नहीं मिली मैनू टिकट नहीं मिली पर इस बार थोड़ा जा पहला जो भी हल्का इंचार्ज लाए ने किमें देख दो ये फैसला वधिया कीता देख लो साढ़े चार साल हो गए वोटां पईआं नूं अज भी किसी नाल गल करो तो वह कहिंदा जी वोट तो मैं आम आदमी पार्टी नूं पाई सी वोट तो झाड़ू नूं पाई सी हुण मैनूं समझ नहीं आउंदी भी वोट गई कित्थे। कांग्रेस अकाली दल जिहड़ा जी वह मिल के 2017 दे विच उन्होंने गेम खेडी सी कि आम आदमी पार्टी नूं जित्तण देना कांग्रेस जित जाए कोई गल नहीं अकाली दल जित जाए कोई गल नहीं पर जे आम आदमी पार्टी जित गई तो फिर इन्हां दा बहुत वड्डा भांडा फोड़ होना सी भ्रिष्टाचार का। बाबा बुल्ले शाह कहिंदे जिहदे पल्ले सच कोठे चढ़ के नच वह तो कोठे चढ़ के रौला पाउंदा चोर आपस दे विच जदों रले हुंदे ना फिर वह चुप रहिंदे आ उन्हां नूं पता कि मेरे लूप उहदे कोले मेरे लूप उहदे कोले। इस तरीके नाल कांग्रेस ते अकाली दल ते बीजेपी ने रल के आम आदमी पार्टी 2017 दे विच रलाया बिना चेहरे तो बिना राज कीत्या अज भी जिहड़ा पंजाब दा ग्राउंड लैवल का सर्वे है वह ये दस रहा कि आम आदमी पार्टी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है। और जदों असीं मुख्यमंत्री अपना अनाउंस करता साडियां टिकटां अनाउंस हो गईयां तो उदन तुसीं देखो पंजाब दे विच की हालात बन गए। भगवंत मान साहब ने जी भगवंत मान कौन है जी जिहड़े पिछले तकरीबन ऐ समझ लो 1995-96 के आसपास का उदों तो वह लगातार अपनी कैसटा के जरिए पंजाब नूं जगाउंदे आ रहे हैं और हुण राजनीति दे विच आ गए उही काम राजनीति जाके कर रहे हैं। जिहड़े साडे साडी भैण MLA है जी बठिंडा देहाती तो रुपिंदर कौर रुबी वो नॉर्मल परिवार के विचों साडी डिप्टी अपोजिशन लीडर सरबजीत कौर माणोके MLA जगराओं आम परिवारों के विचों साडे MLA रोपड़ अमरजीत संधुआ टैक्सी ड्राइवर सीगे जी साडे जयकिशन रोड़ी फोटोग्राफरी का काम करते सी इस तो वड्डा सबूत होर की चाहिए जी और इन्हां कोल कौन सी ढिड रवायती काम इन्हां दा ठगियां ठोरियां पैसा खाना ठीक है जी। हाँ जी और चंगा खाना तो मंदा बोलना इन्हां दा काम रहा पंजाब दे लीडरां दा हुण तक तो साडे वर्गे मेरा बाप साइकलों नूं पेंचर लाउंदा सी जी हुण तां 87 साल की उम्र हो गई हुण काम छड्डता मेरे वर्गे बंदे नूं तुसीं की सोचदे हो अकाली दल कांग्रेस वाले टिकटां दिंदे जी ये तो अंदर नहीं सी बढ़न दिंदे जिहड़े कुत्ते रखे इन्हां ने जी आज जिन्हें इतने शैंटी शुंटी जो तुरे फिरते ना जी साधु धर्म सोध तुहानूं मैं दिखा दूँ 2022 इलैक्शन तो बाद मलोह ही रहू जी मंत्री साहब का इन्हां कोल तां टाइम नहीं होना इधर कदे 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 जी किता साल डेढ़ साल बाद कदे गेड़ा गुड़ा मार लिया ये तां नज़र आया कहणगे। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल मैं अमनदीप सिंह माझा। आम आदमी पार्टी वालों 117 हलका इंचार्जां चों 24 हलका इंचार्जां दा ऐलान किया गया है। सो तुहानूं जानकारी दे दिए कि विधान सभा चोणां बिल्कुल नेड़े ने पंजाब दीआं तकरीबन 6 महीने रह चुके हैं। एक पासे किसानी संघर्ष चल रहा जो भी राजनीतिक पार्टियां ने वह खुल के हजे अपनियां रैलियां नहीं कर रहे क्योंकि किसानी संघर्ष का वड्डा एक फर्क पै रहा है इस नाल वड्डा इफेक्ट आ किसानी संघर्ष का क्योंकि जे किसानी संघर्ष ना हुंदा ना प्रदर्शन चलते होंगे तो गतिविधियां राजनीतिक पार्टियां दी वड्डे लेवल ते शुरू हो जाणियां सी पर हुण भी शुरू हो चुकियां ने क्योंकि श्रोमणी अकाली दल वल्लों लगातार टिकटां दित्तियां जा रही ने हलकियां तो अते आम आदमी पार्टी वल्लों भी देखिया जा रहा सी कि पिछलियां विधानसभा चोणां विच जो भी टिकटां दित्तियां ने उह बहुत ही एट ए टाइम दित्तियां ने जानी कि वोटां तों बिल्कुल पहलां मौके ते दित्तियां ने पर इस बार आम आदमी पार्टी ने हलका इंचार्ज लगा दिते हैं 24 हलकियां चों हलका इंचार्जां दा ऐलान हो चुकिया है। सो असी नाभा हलके च मौजूद हाँ नाभा हलका दी तुहानूं जानकारी दे दिए कि नाभा हलका तो पिछली बार गुरदेव सिंह देवमान ने चोण लड़ी जो काफ़ी हद तक वड्डी गिणती च वोटां लैके गए पर नाभा हलके चों साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस दे कैबिनेट मिनिस्टर ने वह जिते सी। इस बार भी जो ऐलान होया आम आदमी पार्टी वालों गुरदेव सिंह देवमान नूं हलका इंचार्ज लगा दिता है। सो देवमान साडे नाल मौजूद भी ने करांगे गल्लबात। सो पहलां तुहानूं इह भी जानकारी दे दिए कि गुरदेव सिंह देवमान हलका इंचार्ज लगा दिते ने ते तुहानूं पता ही है जदों हलका इंचार्ज कोई लग जांदा तां तकरीबन टिकट उहनां दी पक्की ही हुंदी है। 117-124 हलका इंचार्ज लगा दिते हन हलका नाभा तो गुरदेव सिंह देवमान नूं हलका इंचार्ज लगाया गया साडे नाल मौजूद ने करांगे गलबात। देवमान साहब पहलां तो मुबारकां तुहानूं बहुत बहुत हलका इंचार्ज लगन दी जी। थैंक यू सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद और मीडिया वाले साथियों का नाभा विधानसभा के एक एक जिहड़े वसनीक ने उन्हां दा धन्नवाद
पार्टी हाई कमांड का धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल साहब का धन्यवाद और गुरु महाराज गुरु नानक साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मान साहब किवें लगता जिवें अगे यही गल सोचते होंगे सी कि आम आदमी पार्टी वड्डी इक घाट आम आदमी पार्टी च भी मौके ते लैके आउंदे ने तां उदों बाद चों टुटदे भी ने कि मैनू टिकट नहीं मिली मैनू टिकट नहीं मिली, पर इस बार थोड़ा जिहा पहलां जो भी हलका इंचार्ज लाए ने किवें देखदे हो, इह फैसला वधिया कीता? बिल्कुल जी, पार्टी लंबे समय तो रणनीति बना रही थी पंजाब दे विच और अरविंद केजरीवाल साहब खुद मोनीटर कर रहे सारा कुछ, तो तकरीबन हुण जून का महीना चल रहा, इलैक्शन जिहड़ी पेंडिंग आ उह नैक्सट मंथ जिहड़ी आ जनवरी फरवरी जां मार्च दे विच हो जाणी है, मार्च दे विच तां जी रिजल्ट आ जांदे ने। तो उहदे तहत 117 विधानसभा दे विचों आम आदमी पार्टी ने 24 हलकां चार जिहड़े आ डिक्लेयर कर दित्ते आ, जिहदे विचों एक विधानसभा नाभा भी है जिहदे विच दास दे हिस्से इह ड्यूटी आई है और मैनूं इह माण बख्शिया पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वैसे किवें लगदा आम आदमी पार्टी पिछली बार चोणां च जिवें गल्लां बातां सामणे आउंदियां सी कि इन्नियां टिकटां लैके जाणगे जी, जो भी सर्वे आए सी उह तां 100 प्लस आए सी, पर जो भी सिमटी आम आदमी पार्टी तकरीबन 20 ते रह गई, किवें देखदे हो तुसीं, की गलतियां सी उह? बिल्कुल, सर्वे जिहड़े सी ना जी, सर्वे अज भी देख लो 4.5 साल हो गए वोटां पईआं नूं, अज भी किसे नाल गल करो तां उह कहिंदा जी वोट तां मैं आम आदमी पार्टी नूं पाई सी, वोट तां झाड़ू नूं पाई सी, हुण मैनूं समझ नहीं आउंदी वी वोट गई कित्थे। ते इहदा कारण इक तां जी EVM मशीनां दी गड़बड़ लगदी है, दूसरी गल इह आ जिहड़ा कांग्रेस ते अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल जिहड़ा जी उह मिल के 2017 दे विच उहनां ने गेम खेडी सीगी कि आम आदमी पार्टी नूं जित्तण देणा, कांग्रेस जित जावे कोई गल नहीं, अकाली दल जित जावे कोई गल नहीं, पर जे आम आदमी पार्टी जित गई तां फिर इहनां दा बहुत वड्डा भांडा फोड़ होणा सी भ्रिष्टाचार दा, जिहड़ा हुण तक क्योंकि हुण तक आजाद हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच जिन्नियां इलैक्शनां होईआं राज किहने कीता? कांग्रेस ने, राज किहने कीता? अकाली दल ने, राज किहने कीता? BJP ने। उहनां नूं पता सी इस गल दा कि जे असीं ना इकट्ठे होए, जिवें ना चोर चोर होंदे आपस दे विच इक दूसरे दा लूपोल नहीं दसदे, ईमानदार बंदा तां जी बाबा बुल्ले शाह कहिंदे जिहदे पल्ले सच कोठे चढ़ के नच, उह तां कोठे चढ़ के रौला पाउंदा, चोर आपस दे विच जदों रले हुंदे ना फिर उह चुप रहिंदे आ, उहनां नूं पता कि मेरे लूपोल उहदे कोले, मेरे लूपोल उहदे कोले। इस तरीके नाल कांग्रेस ते अकाली दल ते BJP ने रल के आम आदमी पार्टी नूं 2017 दे विच रलाया, लोक अज भी 100 तों उपर सीटां जिहड़ियां ने उह उहनां दे सर्वा करा लो तुसीं देख लो। इक गल मैं कहनी चाहुंदा, कांग्रेस तो पहला अकाली दल ते BJP 10 साल राज कर चुकी है, 5 साल 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल और हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार पंजाब दे विच मुख्यमंत्री ने, उन्हां कोले चेहरा, कांग्रेस कोले चेहरा, अकाली दल कोले मुख्यमंत्री दा चेहरा, आम आदमी पार्टी कोले कोई चेहरा नहीं, ना ही असीं राज कीता हुण तक, बिना चेहरे तो बिना राज कीतिआं अज भी जिहड़ा पंजाब दा ग्राउंड लैवल दा सर्वे आ उह इह दस रिहा कि आम आदमी पार्टी सब तो वड्डी पार्टी बन के उभर रही है, इह लोकां दा प्यार है जी। और जदों असीं मुख्यमंत्री अपना अनाउंस करता, साडियां टिकटां अनाउंस हो गईआं, तां उदण तुसीं देखो पंजाब दे विच की हालात बन गए। ठीक है, वैसे पिछली बार किन्नी वोट पई तुहानूं ते किन्ने नंबर ते रहे तुसीं हलका नाभा च? बिल्कुल, विधानसभा नाभा दे विच तकरीबन 2.25 लाख वोटरां दे विचों मैनूं 42,000 वोट पई सीगी और पहले नंबर ते कांग्रेस सी, दूजे नंबर ते मैं सी, तीजे नंबर ते अकाली दल ते BJP सीगे। और मैं 2017 दी इलैक्शन हारन तों बाद मैं नाभा विधानसभा नहीं छड्डिया, मैं लगातार नाभा दे लोकां दे विच रहा, लगातार मसले चकदा रहा, हुण भी चक रहा और पिंडां दे विच, कस्बियां दे विच, शहर दे विच लगातार लोकां दी आवाज़ जिहड़ी आ बुलंद कीती है। इत्थे ना तां अकाली दल बोलिया जी, ना BJP बोली, कांग्रेस दे तां टोला रलिया है सारा जी, तां सारे चोर ने जी, ये तो इन्हों का की बोलना किसी के खिलाफ। सो इन्हों का जो ट्रैप रिकॉर्ड है ये दसदा कि आपस दे विच रल के नाभा नूं लुट रहे आ, पर कल्ला देव माना नाभे दे विच जिहड़ा 2017 तो लगातार तुसीं रिकॉर्ड कढ के देख लो, मैं लगातार इतों के कैबिनेट मंत्री साहब धर्मसोत ते लगातार अटैक कर रहा और पहले दिन तो कह रहा कि इन्हां दी नीयत ठीक नहीं है, इन्हां दी नीति ठीक नहीं है राज करन दी, ये लोटू टोला है, ये लुट रहा पंजाब नूं। और बाद दे विचों स्कैंडल सामने भी आए ने जी, देखो कच्चे घरां दे पैसे खा जाणा नगर कौंसल नाभा दे विचों और 64 करोड़ रुपए का जिहड़ा वजीफां दा घोटाला कर लेना, अज 2 लाख प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जिहड़े आ उह उहनां नूं कढ दित्ता गया जी, उहदा जिम्मेवार साधु धर्मसोत आ। कल असीं जलंधर दे विच वड्डा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मंग पत्र दे रहे हैं सारे DC नूं कि जिहड़ा वित्त मंत्री है मनप्रीत सिंह बादल और जिहड़ा साधु धर्मसोत वैलफेयर दा मिनिस्टर भी है CBC वैलफेयर दा, इन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हां दे खिलाफ़ परचे दर्ज होने चाहिए। 2 लाख आप तां पढ़ने,
सब धर्म सो तो आप तो अनपढ़ है जी, उन्होंने की पता पढ़ाई की वैल्यू की है जी। जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे से उन्होंने जिंदगी बर्बाद करने के साधु धर्म सो का बड़ा रोल है। वो 64 करोड़ रुपया जिहड़ा खाधा वो नसूर बन गया और 64 करोड़ रुपया इन्होंने पुश्तां खत्म कर दो। ठीक है, वैसे मान साहब जो गलबात करिए पिछली बार गल सामने यह आई सी, लोग भी कहते कि जो भी कैंडीडेट ने वो पैरासूट राही लियांदे गए, जानी कि हल्के च पता भी नहीं हुंदा वो सब तो पहला नाम तुहाडा भी आउंदा, कहिंदे सी कि दे मां नूं पैरासूट ला राही लाहिया गया, उन्हां दा कोई वजूद नहीं हैगा इत्थे, कोई पिंड नहीं, बाहरों लिया के भी इत्थे थोपता, नहीं तो लोग ये भी कह रहे ने भी नहीं सीट आए जानी सी हल्का नाभा दी, किवें देखदे हो? देखो विरोधियों का काम है कहना जी, मेरे बड़े परम मित्र ने संजीव आनंद साहब, मैंने उन्होंने लाइना याद आ गई कि गैरां तो ना डरना किहड़ा भेती ने, गैरां तो ना डर किहड़ा भेती ने, अपणियां तो बच जे शुकर मनाई जा, जो पल हस के लंघ दे यार लंघाई जा। साडे अपने बाहरों भी सिस्टम सारा जी, देवमान बाहरों आ गया जी, कनेडा तो आ गया जी, 2 करोड़ दे के टिकट लै ली है जी, एक पासा यही गल्लां करदे सी और अगे की गल्लां करदे सी जी, देवमान कोल तां पैसे ही है नहीं जी, क्योंकि तो नोटबंदी सी कि देवमान दुध वाले दे पैसे नहीं दे रहा, देवमान अखबार वाले दे पैसे नहीं दे रहा। जे देवमान 2 करोड़ दे के मान लो उन्हां दे मुताबिक जे देवमान 2 करोड़ दे के टिकट लै नाभे दी उन्हां दे कहण मुताबिक, तो फिर देवमान इत्थे शराब वंडदा, देवमान इत्थे नशा वंडदा, देवमान इत्थे पैसे वंडदा जी। पर नाभा विधानसभा के 142 पिंडां दे विच, नाभा शहर दे विच मैनूं इक वी तुहाडे सिंगल परसन, मैं सवाल करदा जी कि मैनूं कह देवे मैं अगर किसी नूं 1 पैग शराब दित्ती होवे, कोई कह देवे मैं 1 रुपया किसे नूं दित्ता होवे कि जी वोट मैनूं पायो, ये सच दा होका सीगा। और अज उही नाभा शहर दे विच मैं पिछले तकरीबन मैनूं 6वां साल हो गया शुरू होया नूं, और मैं लगातार नाभा दे लोकां दी जिहड़ियां मंगां ने उहदे खिलाफ़ मैं आवाज़ बुलंद कर रहा। हुण हालात बदल गए ने, पहली बार आ मैनूं दसदे ने पुराने बजुर्ग जिहड़े टकसाली ने जी दूजियां पार्टियां तों, कहिंदे कि पहला बंदा नाभा विधानसभा दे विच जिन्हें जुरत की इन्हां खिलाफ़ बोलण दी, नहीं तां कोई बोलदा ही नहीं सी, आपस दे विच रल के गेम खेडदे सी, लोकां नूं तां इह नहीं पता हुंदा सी वी 5 साल बाद वोटां पैणियां कदों ने। असीं 1-1 दिन 365 दिन 5 सालों के एक दिन जिहड़ा ग्राउंड ते बिताया और पॉइंट जीरो ते एक गल जिहड़ी लोगों सामने रखी, अगर पुली टुटी है तो दिखाई है सोशल मीडिया के जरिए और खबर बन के लोगों ने दसिया कि पुली टुटी क्यों है, वो पुली नहीं टुटी, साड़ी किस्मत टुटी है, साड़ियाँ उतों लंघदियाँ लत्तां ते सट्टां लग रही ने, बजुर्ग डिग रहे ने, कोई बच्चा नाली च डिग रहा, कोई मोटरसाइकिल डिग रहा जी, ये बड़े सवाल ने जी, ये मैं उभारे आ सारे। बिल्कुल बिल्कुल मान साहब, वैसे उही आपां गल करदे आ, तुसीं गल कही आ कि 2-2 करोड़ की गलबात हुंदी सी कि 2 करोड़ दे के टिकट मिल गई, कहण दा मतलब हुण तां तुहानूं किन्ना समां हो गया इत्थे नाभे च विकास कार्ज भी मतलब देखदे हो तुसीं, किन्ने कु सरकार करवा रही है, किन्ने कु मौके की सरकार करवा रही है, जां किन्नियां कु घाटां ने, की लगदा तुहानूं जिवें इस बार टिकट मिली आ, पहलां भी टिकटां एवें मिलियां ने, भी उह सारियां अफवाहां सी भी 2 करोड़ लै के जी किते दूजे कैंडीडेट लिआंदे जिहड़े लगदा सी, उह किवें लगदी आ गल? देखो इत्थे तां कोई दो रामां नहीं जी, अफवाहां सीगियां, वड्डे एलीगेशन जी, पैसे लै ले जी, होर एलीगेशन बड़े लाए, पर किसी का कोई सबूत नहीं मिलिया, ये तो स्पष्ट है जी कि वो सारा कुछ गलत सीगा। और 2017 के भी जिहड़े साडे MLA बने ने, अज हरपाल चीमा जी साडे विरोधी धिर दे लीडर ने जी, हरपाल चीमा कौन है जी? एक आम परिवार के पैदा होया, गरीबी तबके के पैदा होया, संघर्ष किया, साइकलों तो जिंदगी शुरू करके अज ओपोजिशन के लीडर ने, लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भगवंत मान साहब ने जी, भगवंत मान कौन है जी? जिहड़े पिछले तकरीबन ऐ समझ लो 1995-96 के आसपास का, उदों तो वह लगातार अपनी कैसटा के जरिए पंजाब नूं जगाउंदे आ रहे और हुण राजनीति दे विच आ के उही काम राजनीति जाके कर रहे हैं। जिहड़े साडी भैण MLA आ जी बठिंडा देहाती तौर, रुपिंदर कौर रुबी, वो नॉर्मल परिवार के विचों, साडी डिप्टी ओपोजिशन लीडर सरबजीत कौर माणोके MLA जगराओं आम परिवारों के विचों, साडे MLA रोपड़ अमरजीत संदोआ टैक्सी ड्राइवर सीगे जी, साडे जयकिशन रोड़ी फोटोग्राफरी का काम करते, इस तो वड्डा सबूत होर की चाहिए जी? और इन्हां कोल कौन सी ढिड रवायती काम इन्हां दा, ठगियां ठोरियां पैसा खाना, ठीक है जी, हाँ जी, और चंगा खाना तो मंदा बोलना इन्हों का कम रहा पंजाब के लीडरों का हुण तक। वो जिहड़ी प्रीत चली आ रही सी ना, प्रीत तोड़ी है आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पहली बार इलैक्शन लड़ी विधानसभा की और पहली बार ओपोजिशन के आ गई, ये शर्म होनी चाहिए अकाली दल वाले, जो थोड़े को पानी हैगा ना चप्पणी च रख के डुब जाओ सुखबीर बादलों च, डुब जाओ, है शर्म इन्हों, जे 25 साल राज करने की गल्ल करते, अब फिर दोबारा जिठिया बड़का मारता फिरता, इन्हों अले पल्ले की है जी? 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना गया प्रकाश सिंह बादल, आ सुख विलास के एडे होटल बना ले, बसा बना लिया ऑर्बिट बसा, और इन्हों नूह राणी कड्डे कड्डे कपड़े इन्हों के जोड़े किए हुए ने जी। आदेश प्रताप कैरों जिहड़ा उदों खुराक मंत्री सीगा, उन्हें 12,000 करोड़ का गरीब लोगों का कणक खाधी चौल खाधे, किड्डे किड्डे कपड़े किए ने और इन्हों के किड्डे किड्डे एलीगेशन लगे ने जी। सो कहण दा भाव ये है, ये तो कहिंदे ही हुंदे ने जी,
पर आम आदमी पार्टी के जिन्हें साडे MLA कोई पार्टी है कोई छड़ के चले गया, पर कहते एलीगेशन नहीं लग्या। ये सच है, ये सच है। और अरविंद केजरीवाल साहब नूं इहदा सिरा जांदा कि उन्होंने पार्टी बनाई 26 नवंबर 2012 नूं, ते साडे वर्गे मेरा बाप साइकलां नूं पेंचर लाउंदा सी जी, हुण तां 87 साल की उम्र हो गई, हुण कम्म छड्डता। मेरे वर्गे बंदे नूं तुसीं की सोचदे हो अकाली दल कांग्रेस वाले टिकटां दिंदे जी? ये तो अंदर नहीं सी पढ़न देते, एडे कुत्ते रखे इन्हां ने जी। ना वैसे हल्का नाभा च की अपना तालमेल की सी, कोई तालुकात की सी इत्थे पहला अपना कोई पिंडा जां किवें तुसीं इत्थे दा की? इत्थे नाल ही मैस पिंड पैंदा जी, मैस पिंड तो मेरी पड़दादी सी और उस तो बाद फिर मेरे जिहड़ी पड़दादी तो बाद साडी समझ लो चौथी पीढ़ी दे विच मैं आउणा जी। मैस पिंड मैं कल भी जाके आया जी, साडा परिवार उत्थे हैगा, मैं कल भी मिल के आया। और जो मैं गल 2017 च कही जी तो बड़े इत्थे मीडिया वाले एक दो भरा साडे हैगे ने जी जिहड़े पूछ हिलाउंदे फिरदे आ पिछे पिछे सरकारां दे, ते उहनां ने गल बड़ी उभारन की कोशिश की सी जी, देव मान दे इत्थे लैण दे, असीं ते देखिया नहीं जी कदे भी मैं कित्थों आ जाऊँ जी, मैं कित्थों आ जाऊँगा। मेरे तो पहला मेरा बाप, मेरे बाप तो पहला मेरा दादा, मेरे दादे तो पहला उन्हां दा बाप, मैं उदों कित्थे आ सकदा सी? ठीक है जी। पर मैं नाभा विधानसभा ना, मैं बड़ी मेरी कर्म भूमी है नाभा विधानसभा, मेरे बिल्कुल मैं इत्थे पिछले 6 साल तो लगातार विचर रहा और लगातार मैं लोगों की आवाज़ बन के जिहड़ी आ लड़ाई लड़ रहा। परचे भी हो गए, परचे भी हो गए, बड़ा कुछ होया, बड़ा डराउण दा धमकाउण दा, साडे कदे होल्डिंग ला, कदे होल्डिंग फाड़ते, कदे कुछ कर, पर असीं दरियादल बंदे हाँ ना, तो असीं होल्डिंग फाड़न वाले तो डरते हैं, ठीक है जी, ना होल्डिंग लाउण वाले तो डरते हैं, असीं कल्ला रब तो डरते हैं जी। आ जिन्हें इत्थे शैंटी शुंटी जे तुरे फिरदे ना जी, साधु धर्मसोत तुहानूं मैं दिखा दूँ 2022 दी इलैक्शन तो बाद तां मलोह ही रहू जी, मंत्री साहब तां इन्हां कोल तां टाइम नहीं होना, इधर कदे 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 जी कितना साल डेढ़ साल बाद कदे गेड़ा गुड़ा मार लिया, ये तां नज़र आया करनगे। जिहड़े शैंटी साहब ने जी, वो नगर कौंसल दे विच भ्रिष्टाचारी इन्ने कीते आ जी, जदों इन्वैसटीगेशन होई जी, ये सारे भ्रिष्टाचार करन वाले जेलां च बंद होणगे। वैसे 6 साल की गल करदे हो तुसीं, 6 साल के हल्का नाभा नूं देख रहे हो, किन्ना क फर्क पिया, किन्नी क डिवेलपमेंट हुई इत्थे, किन्ने क विकास कार्ज होए ने? कुछ भी नहीं होया जी, नाभे दीआं सड़कां दा बुरा हाल, नाभे का पुराना किला जिहड़ा जी, पुराना किला जाके देखो टुटिया पिया, बुरा हाल बनया पिया, और विरासती बिल्डिंगा नूं मेनटेन करन वास्ते सेंटर गवर्नमेंट कोल बड़ा बड़ा फंड मिलता जी, इन्हां ने कुछ भी नहीं लैके आए। इत्थे सीवरेज की जिहड़ी समस्या गंदे पानी की, पिछले लगातार मैं बजुर्ग दसदे 40-50 साल तो लगातार चली है, उह तां कोई हल नहीं होया जी। ठीक है जी। उस तो बाद इत्थे जिहड़े गेट हुण गेट बना रहे, जिहड़े गेट कहदे तां थमले जे ने जी, इह कोई गेट ने जी? ये तो एक ढिंगी पिंड इन्हों का हैगा जी, बंदा उन्हें एक बना लिया, देख के उन्होंने ठेका देता भी इदा दे इतने बना दे। हुण ढिंगी पिंड का इतिहास, नाभे का इतिहास मिल गया कितने? नाभा रियासती शहर है, महाराजा हीरा सिंह का, महाराजा रमन सिंह का शहर है जी, ये भाई कान सिंह उन्हों का शहर है जी, ये चंगे लोगों का शहर है जी, तुसीं पिंड नाल उन्हां दा मुकाबला कर रहे हो। ठीक है जी। और गेट बनाते जी, चंगे पैसे खाते, चंगे हाले भी काम चल रहा जी, सड़कों का बुरा हाल आ, सीवरेज का बुरा हाल आ, और कच्चे घर के पैसे नहीं किसी मिलते जी। इतने तुम बिजली का कनैक्शन लाना हो, टूटी लानी हो, पानी की, तो नगर कौंसल के पैसे लेंदे जी। भ्रिष्टाचार का अड्डा बन गया नगर कौंसल नाभा, वो एक रत्ती पर भी फर्क नहीं आया, वो सारा जोड़ा काम है वो पिछले 2017 तो लैके लगातार ही चलिया रहा जी। और मंत्री साहब इतने साहब धर्मसोत हो रही, पिछले 9.5 साल तो MLA ने जी, 9.5 साल किया जी, अपनी प्रॉपर्टी बना ली 300-400 किला, अपनी प्रॉपर्टी बना ली ऑस्ट्रेलिया, अपनी प्रॉपर्टी बना ली हिमाचल प्रदेश, अपनी प्रॉपर्टी बना ली इधर राजस्थान वाले पासे, इधर हरियाणे वाले पासे, ये सारा कुछ जिहड़ा तुहानूं आने वाले दिनों पता लगेगा, जो नाभा निवासियों को पता लग्या ना कि एडे एडे मगरमच्छ जिहड़े नाभे नूं लुट के खा गए, पंजाब नूं लुट के खा गए, जो इन्हां दे खुलासे होए ना जी, फिर मत्थे दे हाथ मार के कहणगे भई इहो जिहे निकम्बे बंदे नूं वोटां पाउंदे रहे असीं, ये हालात तुहाडे सामने आ जाणे। ठीक है, वैसे मान साहब तुसीं गल करदे हो इन्ने किले बना ले, इन्ने किले उधर बना ले, कहण दा मतलब जिवें तुहाडे ते भी एलीगेशन लगदे सी भई 2-2 करोड़ दे के उत्थे आ गए, ये एलीगेशन तुहाडे लई सबूत ने इवें दे भी इन्ने किले बना ले आपां कह दिंदे आ दूजे लीडर लई? देखो जी, पूरा तुहानूं डाटा देवांगे, इलैक्शन आ जाण दिओ, पूरा डाटा देवांगे, पेपर भी देवांगे, फिर दसांगे कि रिश्तेदार के नाँ ते है जी। ठीक है ना जी, पूरा दसांगे जी, और फिर दसांगे तुहानूं भी पैसा पैसा कित्थे रख्या इन्हां ने जी, सानूं सारा पता जी। हुण नाभे दीआं फ्लैक्सां ला ला के जिन्हें फ्रेम ने, मैं थोड़े चैनल दसना चाहुंदा, जिन्हें वधिया फ्रेम ने सारे साधु धर्मसोत दे घरे पए ने जी, उत्थे जाके चैक कर लो, तुसीं अपना कैमरा लै जाओ, उत्थे कहो जी गेट खोलो जरा चैक कराओ, फ्रेमां सारियां उत्थे पईआं ने जिहड़ियां घटिया माड़ियां मोटियां नगर कौंसल दी छत दे उपर पईआं ने। ठीक है जी। और जदों करोना महामारी चल रही थी, जिन्ना अनाज आया वंडन वास्ते सेंटर गवर्नमेंट वालों, वो अनाज सारा साधु धर्मसोत ने आपके घर चौड़ रखे हुए जी, आटा रखे हुआ सीगा। ठीक है जी, ये अथेंटिक जानकारी है जी,
जे मैं चैलेंज करता थोड़े चैनल के जरिए, अगर साधु धर्मसोत सच्चा बंदा, मैं कहना कि साधु धर्मसोत ने प्रॉपर्टी बनाई है, साधु धर्मसोत अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपना प्रॉपर्टी का डाटा जारी करे जी। जे मैं गलत होया मैं जो मर्जी सज़ा ला दे। ठीक है, वैसे तुसी कहा कि कांग्रेस सरकार ऐं कर दी, श्रोमणी अकाली दल ने ऐं करिया, पर कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि श्रोमणी अकाली दल ने भ्रिष्टाचार किया, बेरोजगारी उदों सी, असी रुजगार दिते, भ्रिष्टाचार खत्म करता, साडी सरकार च कोई भ्रिष्टाचार नहीं हुंदा, किन्ना कु हुंदा दफ्तरां च? देखो जी, ब्यूरोक्रेसी जी है ना पंजाब दे विच, ब्यूरोक्रेसी दे विच सारे अफसरां नूं मैं कहिंदा, ब्यूरोक्रेसी दे विच बाहले लोग जिहड़े आ ना जी, उह लीडरां ने भ्रष्ट बनाते, क्योंकि उह हिस्सा मंगदे आ, थाणियां च हिस्सा मंगदे आ, उह कहिंदे सानूं दिओ कुछ, क्योंकि तां भुखे ने जी, भुखे भेड़िए नहीं हुंदे वी सानूं दिओ कुछ, वी दिओ कुछ लग लिया इन्हां नूं, इह नहीं वी मैं एम एल ए बन गया, मंत्री बन गया, मैं लोकां दा सेवक, इन्हां नूं इह मैं अगले 5 साल किवें जित्तां, मैं पैसा इकट्ठा करां, मैं भुक्की वंडूं, मैं शराब वंडूं, लोगों को पैसा वंड के मैं दोबारा जित्तां, इन्हां दी सोच इह है जी। भ्रिष्टाचार जिहड़ा जी, ना तो अकाली दल के टाइम घट होया सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब हत्थ च फड़ के सहुं खाधी सी, और अकाली दल बीजेपी की जो सरकार सी 2015 विच, गुरु साहब की बेअदबी हुई। तुसी मैं एक थोड़े तो सवाल सिंपल जा, तुसी देखने वाले भी जा गल समझ जाएंगे, अकाली दल की तो बीजेपी की सरकार होवे, अकाली दल बीजेपी का लाया DGP होवे, ठीक है जी, और पुलिस सारी उन्होंने होवे, तो बेअदबी होगी भी हले तक पता ना लग्या होवे, वो बल्ले हो थोड़े बादलो, थोड़ा बह जे पट्ठा, थोड़ा बाबा थोड़ा माफ़ नहीं करूँगा, थोड़िया कुल्ला खत्म करूँ। वैसे हुण तां कांग्रेस की सरकार भी 4.5 साल हो गए तकरीबन, जिहड़े कह रहे थे कि बेअदबी के दोषियों जल्दी तो जल्दी बेनकाब करांगे, सामने लेके आवांगे, इक्को थाली के चट्टे बट्टे ने जी, कैप्टन बादल, ये इन दी पार्टियां अलग अलग ने, ये इक्को थाली के चट्टे बट्टे, इन्हां दे रिश्तेदारियां ने, इन्हां दे बराबर दे बिजनेस ने जी, आ बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल रहे हाईवे ते, कौन खोल रहा जी, वो यही खोल रहे ने, परतिंदर चहल वर्गे आप भी खोल रहे, कुवैत दे विच तेल दे खूह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह दे नहीं मेरे जी, वह किवें आ गए? जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह 2002 जो पहली बार मुख्यमंत्री बनया, मोती महल कुरकी होने आया सी, अज उही मोती महल दे विचों सारा पंजाब चल रहा जी, ठीक है ना, सारा पैसा जिहड़ा, सारा रेवन्यू जिहड़ा, वह इन्हां कोल आ रहा जी, कित्थों आ रहा पैसा सारा, वो पंजाब दा लुटिया पैसा जी। मैं तां पंजाबियों नूं एक बेनती करदा वीरो, पंजाब नूं हुण तक कांग्रेस ने, अकाली दल ने, तो BJP ने राज करके लगातार लुटिया, इन्हां ते दुबारा दुबारा भरोसा करोगे जो कख नहीं लभना, धोखा ही मिलेगा, फिर गुटका साहब हाथ च फड़ के इन्हां दीआं सौहां खाधियां होईआं, ये मुकर गए है, आम लोगों नूं की समझदे है, आम लोगों के बच्चों के तो डांगा मारदे, मोती महल जिहड़े पढ़े लिखे है, अनपढ़ बंदा कुर्सी ते बैठा मंत्री बनिया, जिहड़े पढ़े लिखे उन्हां ते डांगा मारदे आ, ठीक है जी, उन्हां ते परचे करदे आ, बलबीर सिद्धू वर्गे जिहड़े वैक्सीन बेच के खा गए सी, उहदे घर दे बाहर प्रोटेस्ट कीता, साडे ते परचे करते, साधु धर्मसोत 64 करोड़ दा जिहड़ा करप्शन कर गया, गरीब बच्चों का वजीफा खा गया, असी धरना दित्ता, साडे ते परचे करते। देखो एक कितना कितने सिस्टम जिहड़ा ना सारा, तुसीं कहना चाहुंदे बहुत धक्केशाहियां होईआं ने, बिल्कुल धक्केशाहियां होईआं ने जी, असीं तां बर्दाश्त कर लिया। मैं थोड़े चैनल के जरिए दसना चाहुंदा, जिद्दण आम आदमी पार्टी आ गई ना, इन्हां दे लत्तां ते जान है नहीं, इन्हां तो नहीं खड़ा जाना, इन्हां तो नहीं बर्दाश्त होना, सच ये झूठे लोग ने, आम आदमी पार्टी पूरा दुध दुध पानी का पानी करके छड्डू। देखते हैं वैसे जो आम आदमी पार्टी आउंदी, वैसे तो हरेक पार्टी जो आने तो पहला कहती है कि एवें करांगे एवें करांगे, तुहानू किवें लगता, किवें विश्वास? माझा साहब दिल्ली च जाओ, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, हराया पता कौन आ, हंकारी प्रधानमंत्री जिहड़ा बड़का मारदा सी कि मैं चणकियां राजनीति दा, मैं देश दी राजनीति ऐं बदल देना, 3 वार हराया अरविंद केजरीवाल ने, 3 वार, और दिल्ली दे विच चंगे स्कूल, मुफ्त पढ़ाई, चंगे हस्पताल, मुफ्त इलाज, वाईफाई, सस्ती बिजली, लोगों के घर बैठे 100 तो उपर काम होंगे, सिर्फ 50 रुपये की फीस लगती है। पर मान साहब गल उही आउंदी है कि दिल्ली का बजट बहुत आ, दिल्ली नूं आमदन बहुत आ, पंजाब पहली कर्जदार होया पिया, किवें लगता तुहानूं उत्थे दी आमदन ते इत्थे दा कर्जा? दीप जी, पंजाब का बजट दिल्ली नालों भी वध है, रेवन्यू उत्थे दिल्ली नालों भी वध है जी, दिल्ली दे विच तां सेंटर गौरमेंट की इंटरफेरेंस है, DDA दिल्ली डिवेलपमेंट किहदे अंडर है जी, सेंटर गौरमेंट के अंडर है, ठीक है जी, दिल्ली पुलिस किहदे अंडर है, सेंटर गौरमेंट के अंडर है जी, MCD नगर कौंसल जी उतों की दिल्ली की है, 3 मेयर ने किहदे अंडर ने, BJP के, आम पार्टी को की है जी, आता हुण एक नवा कानून पास करता मोदी ने कि जिहड़ा भी काम तुसीं करना, घर घर राशन वंड की स्कीम मोदी ने बंद करती, भी जे इन्हें घर घर राशन देता कि गरीबी ना निकल जाए, ये वादे करते असीं तुहानूं राशन देंगे, तुहानूं असीं कणक थोड़ी वधा देंगे हरेक साल, भी पिछले साल 20 करोड़ बंदे 20 लाख बंदियां नूं दित्ती कणक, ऐतके जी 25 देवांगे, शर्म नहीं आउंदी इहनां नूं, गरीबी घटण दी जाए वध रही है जी, और ये लगातार लालच दे रहा, साडे बच्चे और नौजवान बच्चे साडे खड़े इत्थे देखो ग्राउंड दे विच प्रैक्टिस करदे आ सारे, ये बेरोजगार घूम रहे हैं जी, इन्हां नूं नौकरी कौन देगा, जिन्हें जिहड़े माँ बाप ने रिक्शा चला के दिहाड़ियां करके बच्चे पढ़ाए है,
प्लस टू कराई है, बीए कराई है, एमए कराई है, बीएड कराई है, उन्होंने एमबीबीएस कराई है, आईएएस पीसीएस कराती, उन्होंने नौकरी किन कौन देगा? सरकार, ये तो सरकार का काम है ना जी, सरकार कुछ भी नहीं करती, सरकार फेल है जी। सो इस करके जो सिस्टम है ना सारा ये करप्ट हो चुक है। ये करप्ट सिस्टम के कारण मैं एक दसना चाहना, पिछले लंबे समय तो रिकॉर्ड कढ लो तुसीं, पिछले ऐ समझ लो 30-40 साल का रिकॉर्ड कढ लो जी, 117 विधानसभा के कौन जितते है जी? एको ही बंदा, अगे कोई आया नहीं, कौन कौन जितता जी? एको ही बंदा। वह कौन ने? एको ही बंदे, उही अकाली दल, उही कांग्रेस। कदे अकाली दल चो जित गया, कदे वो जित गया। ऐतकी सब धर्म सोच छड़े ना सीट के, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छड़ देना राजनीति, मैं नवें बंदे नूं मौका दिओ कांग्रेस दे विचों, पर वो छड्डूगा नहीं जी, तुरिया जांदा नहीं है, उठन लग्या अद्धा मिनट लगता, आपे गल करके आपे हस पैंदा जी। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने उम्र दा तकाजा है जी, उच्चा सुन लग गया जी, घट दिखण लग गया जी, इन्नी इन्नी दवाइया खाते हैं जी, उस तो बावजूद भी तुसीं राजनीति नहीं छड्डदे। नवें बच्चों दिओ ना मौका, दिओ नवें मुंडे कुड़ियों मौका, उन्होंने अंदर सेवा भावना नहीं, असी काम करना चाहते हैं, दिओ मौका। एक तुसी थोनू मौका दिता जी, तुसी की किया भ्रिष्टाचार, तुसी की किया लोगों के, इत्थे एक बातिश नाँ का बंदा पीए, वैसे तो जाली पीए, असली पीए का भतीजा जिन्हों 80,000 तनखा मिलती है, वह 2-2 हज़ार रुपया थाने चो फोन करन दे लैंदा जी, एडी एडिया कोठियां पा रहे ने, इत्थे नगर कौंसल का प्रधान एडी एडिया कोठियां पा रहे, कितों इनवैसटीगेशन होगी? इनवैसटीगेशन असी नहीं छड्डना, असी एक एक चीज़ की इनवैसटीगेशन करांगे। नाभा के लोगों की दसां नौं की किरत की कमाई जिहड़ी है वो लुट के खा गए, वह हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, और सूई के नक्के चो कढ के छड्डांगे। हुण हुण मैं गल आपदी नबेड़दा कि लोग वड्डे ने लोकतंत्र, मैं लोगों को हथ बन के बेनती करदा कि मैं कांग्रेसी हाँ जी, मैं अकाली हाँ, तुसीं तां कांग्रेस अकाली दे खड़े रह गए, ये तो गिरगट वांगू रंग बदला के हो गए, तो हो गए। हुण साधु धर्मसोत आपदा इहदा एक मुंडा है जी, वो मुंडे की फोटो नाल लाउण लग गया, एक लाल सिंह है जी इन्हां दा, वो आप दे पोते भी नाल लाउण लग गया, एमएलए तो उहदा हैगा जी मुंडा समाणे तो, ठीक है जी, परिवार बाद होया शहरी मान जी ने जी कई, वो आप दे मुंडे दी लाउण लग गया, इत्थे होर एक घनौर तो है जी, एक राजपुर तो, सार आप दे मुंडियां दी फोटो नाल लाउंदे आ, वो बल्ले थोड़े, वो इत्थे होर लोगों नूं राजनीति नहीं आउंदी, होर लोगों नूं, होर ब्रह्मिंद्रा जी आप दे मुंडे दी फोटो लाउंदे, होर लोगों नूं पता नहीं राजनीति दा? राजनीति पता की है? राज करन दी नीति, ईमानदारी नाल, और ईमानदारी नाल काम करन वाले साडे लोग इत्थों आईलैट्स करते, साडे बच्चे कनेडा च, मैं भी लंबा समा रहा कनेडा च, उत्थे जाके कामयाब हो जाते, करोड़पति बन जाते, और इत्थे जिन्हें बीए कर ली समझ लो उसकी किस्मत खराब, जिन्हें एमए कर ली किस्मत खराब, बीए एमएड पीएचडी बंदे झोना ला रहे हैं, झोना पंजाब के हालात ने, और अनपढ़ बंदा लाल बत्ती गड्डी लाई अगे पिछे पिछे, पुलिस कू 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 करता, लोगों लुटता फिर रहा, ये किहड़ा लोकतंत्र है जी, ये किहड़ी सरकार है जी, ये असी नहीं बर्दाश्त करते। ठीक है, सो ये सन गुरदेव सिंह देवमान जिन्हां नूं हलका नाभा तो हलका इंचार्ज लगाया गया आम आदमी पार्टी हाईकमान वालों, जो कह रहे हैं कि पंजाब च कोई विकास नहीं होए, भ्रिष्टाचार उवें चल रहा, बेरोजगारी आ वह भी वड्डे तादाद ते आ, बेरोजगार नौजवान ने जिहड़े वह आस्ट्रेलिया कनेडा जाण नूं मजबूर होए पए ने क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही। उन्हां कहा कि कोई विकास नहीं होया, झूठे दावे कर रही ने पार्टियां, रवायती पार्टियां चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे चाहे कांग्रेस पार्टी होवे, झूठे दावे कर रही ने जिन्हां नूं लोग समझ चुके हैं। सो आम आदमी पार्टी ने अपने हलका इंचार्ज 117 विचों 24 दे नाम का ऐलान कर दिता है, गतिविधियां तेज कर दित्तियां हन। गुरतेज सिंह थूई ते जतिंदर कुमार नाल अमनदीप सिंह माझा, पंजाबी लोक चैनल।